नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने हूँ आज बाबा रामदेव, जो कि योग गुरु हैं, सनातन धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया महाराष्ट्र में, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अगर महिलाएं साड़ी पहने, सूट पहने या कुछ भी ना पहने, तो वो हर स्थिति में सुंदर दिखती हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए। बाबा रामदेव आखिर क्या चाहते हैं? क्या इस समाज में व्यभिचार फैलाना चाहते हैं, या जिस तरह से वो सनातन धर्म की बात करते हैं, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारा सनातन धर्म या हिंदू धर्म क्या बताता है? नारी की पूजा होती रही है हमेशा से, नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। अगर हमें शक्ति की ज़रूरत होती है तो हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। सरस्वती का पूजन होता है, ज्ञान की देवी मानी जाती है, वो ज्ञान के लिए। माता सीता को त्याग की प्रतिमूर्ति मानते आए हैं हम। द्रौपदी, जिनके अंदर सारी ही जो बुराइयां हैं वो थी, सारी अपवित्रता के बाद भी उन्हें पवित्र माना गया है, और आज तक इस भूमि धरा पर उनसे पवित्र किसी को नहीं माना गया है। तो बाबा रामदेव क्या चाहते हैं कि जिन द्रौपदी की वजह से महाभारत हुई, जिनका चीरहरण हुआ, वस्त्रहरण हुआ, उसके बाद ये घटना हुई, तो क्या वही महाभारत बाबा रामदेव फिर से इस देश में कराना चाहते हैं क्या? बाबा रामदेव का ये कहना कि अगर स्त्री साड़ी पहने, सूट पहने या निर्वस्त्र रहे तो वो खूबसूरत है, तो क्या इसको हम मान लें कि सारी स्त्रियाँ निर्वस्त्र होकर घूमने लगें? यही वो बाबा रामदेव हैं जो बिना अपने आप को बचाने के लिए सूट में भागे थे, सलवार सूट पहनकर भागे थे, आपको याद होगा। तो स्त्री का इस तरह से असम्मान करने का अधिकार उन्हें किसने दिया? जब कोई स्त्री, कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है, उसके साथ अपराध हो जाता है, रात में निकलती है, तो ये कहा जाता है कि उसके कपड़े छोटे थे इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। तो किस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा रामदेव हमारे इस समाज को? बाबा रामदेव के इस बयान से उनकी छोटी मानसिकता का पता चलता है, और हम ये भी जान सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ स्त्री को उपभोग की वस्तु जिस तरह से हमारा समाज समझता आया है, वैसा ही वो भी सोचते हैं। हमें चाहिए कि जो अंधभक्त उनके हैं, जो उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, वहाँ जाकर उनके पतंजलि योगपीठ में इलाज कराते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनकी बातों को सुनते हैं, तो उनको ये ध्यान देने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि आखिर किस तरह की विचारधारा से वो जुड़े हुए हैं। जब तक लोगों में बदलाव नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो कृपया आप लोग भी, जो महिलाएं इस बयान की निंदा करती हैं, वो बाबा रामदेव के प्रति अपना विरोध दर्ज कराएं और जो आक्रोश उनके अंदर है उसको ज़रूर व्यक्त करें। ये बहुत ही गंभीर और संगीन मुद्दा है, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है, और मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं वो प्लीज़ आगे आएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।